गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग हैं स्टर्लिंग बारेज गोवा में, अपने होटल में ही हैं। ये है हमारा रिसॉर्ट, ये पूरा अच्छा लग रहा है, ग्रीनरी और ये विला टाइप में बने हुए हैं तो अच्छा है। अंदर से सर्विस भी अच्छी है। और अभी हम आज मॉर्निंग में जाएंगे हम साइट सीइंग के लिए, तो भैया हम लोगों को पिक करने के लिए आ जाएंगे अराउंड 10। उसके हम ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम निकलेंगे और आज हम कवर करेंगे कि क्या क्या है गोवा में। उसके बाद हमको जो अच्छा लगेगा फिर कल और परसों हम वहाँ स्पेंड करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम अभी चेक करते हैं जाकर। तो अभी जल्दी से हम लोग रेडी हो जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग निकलते हैं, ठीक है। हम लोग कर रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट। दिस इज आवर स्टर्लिंग रेस्टोरेंट, नाउ वी आर इन गोवा। यस, सो हियर वी हैव लॉट ऑफ all things here, you can see that today we are in Goa. Yes, this is from staff and me and Adresh. छुटकी तुम उठ गए हो? हेलो, उठ गए तू? बाबा के पास है, बाबा के पास है मामा। मेरे बहुत ऊंचा है, मैंने देखूंगी इसे। हाय हाय, मामा आ गए। मतलब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लोगों ये है गोवा का स्ट्रीट मार्केट, जिसका हमें काफी टाइम से इंतजार था, जिसका हमें था इंतजार। मैं है पहले फोर्ट पगोडा, ठीक है। देखो कितनी सारी हैट्स हैं यहाँ पर। हाँ भी छुटकू के लिए ले रही हैं। आगे इसको फिट ये हम लोग जा रहे हैं फोर्ट अगोड़ा। अब टिकट्स हैं वो है 20 rupees पर है पर पर्सन। तो हम सब लोग हैं, मेरी मम्मा जो बहुत प्रिटी लग रही हैं पिंकी पिंकी हैट में। ये देखो यहाँ पर हो रहा है फ़ोटो सेशन, पापा खड़े हैं, भैया मम्मा के फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहा है। ये है तवेश ऋतिक रोशन, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को। ये देखो यहाँ पे दिल चाहता है कि शूटिंग भी हुई थी और रंग दे बसंती जो सॉन्ग हुई था अपनी सुपरस्टार। तो ये है सिक्योरियम बीच जो कि फोर्ट अगोड़ा से दिखता है। हाँ लेकिन यार पता है यहाँ पर ना धूप बहुत ज़्यादा है, इतनी गर्मी है बस हम लोग क्या बताएं यार। बस ये ना अगोड़ा फोर्ट में ये सारे जेल हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये ठीक है। जिसका जो सबसे लोअर फ्लोर था वो ऐसा जेल ही यूज़ किया जा रहा था 2011 तक, ठीक है। उसके बाद अभी ये नहीं यूज़ कर रहे हैं, अभी ये सिर्फ एज अ टूरिस्ट प्लेस हो गया है, वहाँ के विजिट कर सकते हो। बट टिल 2011 इट वॉज यूजिंग एज अ जेल। ये चारों चल रहे हैं, दो ऋतिक रोशन है इनमें से, एक अक्षय कुमार है और एक ये अपने आपको क्या बोलते हैं, मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। भाभी ये है, हम पी रहे हैं मसाला सोडा, लेमन सोडा। यार बहुत गर्मी है अभी, हम लोग जनवरी में आए हैं बट फिर भी बहुत धूप है। जरा सी देर में अभी की पिक्स देखना, अभी तो स्टार्ट देखना, बहुत डिफरेंस है, समझ में आया? बहुत डिफरेंस आ गया है, तो मेंटली प्रिपेयर होकर आना, काले होके जाओगे। तो अभी तुम जनवरी में हो, फेब में और दिसंबर में हो, गर्मी तो यहाँ पे रहती है, ठीक है, देख लेना। हेयर ट्राई कर रहे हैं उनके, सब बड़ी बड़ी आ रही हैं। ये सही लग रही है, ये भी सही लग रही है, वो ब्लू वाले भी सही लग रही है। अच्छा, मैं देखूं यहाँ पे, देखूं। बस ये कि ना अगर आप मेरे को देख रहे हो तो वो सही लग रही है। हाँ।
अदरवाइज बहुत बड़ी लग रही है। अभी ने ये वाली हैट यहाँ से ली है, आप भी ले सकते हो, ओनली 100 रुपीज। ये हो गया है हमारा अगोरा फोर्ट। अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, वो है कंडोलिम बीच। वन मोर थिंग, कोकोनट के प्राइस हर जगह सेम ही है, तमिलनाडु में भी, केरल में भी, गोवा में भी, हर जगह 40 to 50 rupees, ठीक है, और हरिद्वार में भी। कैंडोलिम बीच, हाँ ये है ना कैंडोलिम बीच फॉर स्पोर्ट्स, यहाँ पे भी होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। ये देखो कोरोना टाइम पर भी अभी अच्छा खासा क्राउड है यहाँ पर, लग नहीं रहा ऐसा कुछ है। हम लोग हैं अभी बीच पर और ये है सेक्सी भाभी, हॉट एंड सेक्सी। और लंच के लिए आइए पापा। हम लोग हैं अभी वेगेटर बीच पे और ये है सामने चपोरा फोर्ट, जहाँ से आप ऊपर जाके वेगेटर बीच आपको दिखता है। बट मुझे चपोरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था लास्ट टाइम जब मैं आई थी, तो हाँ भी अरे चुटकी चुटकी को दिखा। गोवा वाले बीच पे आंखें मीच के ठंडी ठंडी और गंजू दिख गया, ए चुटकी ठंडू ठंडू कोकोनट पियेंगे दोनों फोटो खींच के। आई लव गोवा, ये देखो मेरी चुटकी स्माजी। ये वैकेट ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही बीच है बट हाँ अच्छा है। नाइस, ये देखो भैया भाभी मम्मा एंड मी। ये देखो मम्मा पापा आराम से अपने बैट पे लेकर चल कर रहे हैं और हम ढूंढ रहे थे कहाँ गए। दोनों बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये है अंजुना बीच, अंजुना बीच ओके हो गया, डॉकयार्ड, ये डॉकयार्ड है सारा बीच। चलो 80 दोगी उसका मैडम, 80 लास्ट फाइनल चाहिए तो क्या। ये देखिए मैंने यहाँ से एक ब्रेसलेट लिया है, ये वाला एंड दिस वन वन एंकलेट इन आंटी से और दो मम्मा ने लिए हैं ऐसे ही, ठीक है। ये हम लोग आ गए हैं बागा बीच पर, यस हाँ, और क्या टैटू करवाना है तो अभी आज ही फिनिश करते हैं करवा के। हाँ अच्छे से बार्गेन हो जाएगा। तो हम लोग आ गए हैं बागा बीच पर, अब तक बहुत सारे बीच देखे थे, सारे मैंने इसमें क्लिप्स डाली हैं, लेकिन सबसे हैपनिंग बीच, हैपनिंग बोलते क्राउडेड यही है, बागा बीच सबसे ज़्यादा क्राउडेड बीच है, बड़ा भी है। देखो सनसेट हो रहा है, वाओ। तो आज हम लोगों ने 4 beaches एंड 1 fort कवर किया था, जिसमें बीच थे वेगेटर, कैंडोलिम, अंजुना एंड कैलिंगूट। मुझे सबसे ज़्यादा हैपनिंग बागा बीच और कैलिंगूट लगा। ये देखो भाभी खाना खा रहे हैं।
मेरे को अभी वो पूरा करेंगे, पहले सूप पियेंगे, फिर स्टार्टर, फिर मेन कोर्स, फिर डेजर्ट, ठीक है। भाभी ने आइसक्रीम पहले ले लिए, मेन कोर्स अभी रह गया है, बाद में फिर से लेंगे। हाँ मैं तो खा, हाँ ये हलवा देखो उनका, अभी क्या हो गया ना, स्टार्टिंग में बहुत सिक्वेंस में चल रहा था ऑर्डर वाइज, पहले सूप, फिर स्टार्टर, फिर मेन कोर्स, देन डेजर्ट, लेकिन उनका बीच में ऐसा मन ललचाया कि सब कुछ इधर उधर हो गया है, कोई कुछ भी कहीं पे भी चल रहा है। हाँ खाना टेस्टी है ना, अभी नहीं खाया, ये देखो। नहीं 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 नहीं, हाँ भाभी ये है पाइन एप्पल हलवा, मैंने फर्स्ट टाइम खाया है, बहुत ही टेस्टी है। तो ये था हमारा डे वन इन गोवा, हम लोगों ने जो भी बीचेस और फोर्ट कवर करे मैंने सारे इसमें मेंशन कर दिए हैं। तो अब आपको मेरा आंसर करना है, ठीक है। अब हो गया हमारा शुरू क्वेश्चन आंसर राउंड, अभी मैं एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। माय क्वेश्चन इज दैट कि हमको चपोरा फोर्ट से कौन सा बीच दिखता है, ठीक है। मैंने अपनी वीडियो में ऑलरेडी मेंशन किया है, तो आपको मुझे बताना है मेरे कमेंट बॉक्स में उस बीच का नाम, ठीक है। तो कैसा लगा हमारा आज का दिन, आपको मैंने सब कुछ शेयर किया है आपके साथ। प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड मैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग अपडेट करने वाली हूँ डे टू का अपना गोवा का, ठीक है, टीटोस लेन का। तो बागा बीच के पास जो टीटोस लेन है वो काफ़ी फेमस है, तो पूरा नाइट मार्केट, हम लोग नाइट भी अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हम लोग इसमें अपलोड करेंगे। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल, ताकि आप क्विकली जैसे ही मैं अपडेट करती हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियोज़ देख पाएँ। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी वेल्दी एंड सेफ, कीप स्माइलिंग, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। Shila na Jerusalem ikayalami kilo noloze uhambe nami zungangi shila na dauyami aikola na buso wami aukola na.